भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने मंडल अध्यक्ष सतीश चंद्र ओझा के नेतृत्व में शनिवार को केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि बिल के विरोध में मंडलायुक्त के जरिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष सतीश चंद्र ओझा ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि बिल को तत्काल वापस लिया जाए तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाया जाए एवं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया जाए। इस अवसर पर जिला महासचिव राकेश तिवारी, तहसील अध्यक्ष रामानुज विश्वकर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष अदालती गुप्ता, महेश प्रसाद शर्मा, संजय कुमार सिंघानिया, मनोज कुमार, अनिल कुमार, सदानंद दुर्गेश, लक्ष्मण, परशुराम निषाद सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यूनियन के मंडल अध्यक्ष सतीश चंद्र ओझा ने कहा, अन्न का दाता है फिर भी मारा जाता है, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। जय किसान। महात्मा टिकैत अमर रहे, राकेश टिकैत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे लड़ाई है। पापा टिकैत अमर रहे, टिकैत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। किसान अध्यादेश बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। सतीश चंद्र ओझा, गोरखपुर मंडल अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन गोरखपुर मंडल। आज भारतीय किसान यूनियन के द्वारा जो पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में जो आंदोलन किया गया है, उस सापेक्ष में पूरे मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़ के हमारे माननीय राकेश टिकैत जी के दिशा निर्देश में कि चक्का जाम यहाँ पर नहीं किया जाएगा, यहाँ पर केवल संबंधित अधिकारी को, आयुक्त महोदय को ज्ञापन देना है। तो इसमें जो हमारा 3 अध्यादेश जो स्वामी जो है, पहला है कृषि कानून, जो 3 अध्यादेश बनाया गया है उसे वापस लिया जाए, और MSP पे जो है कानून बनाया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, और तीसरा जो है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया जाए। ये हमारे 3 बिंदु है, इस पे विचार करके हम प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन देंगे और कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे।